वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए, सावन का पहला दिन और हमारे यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। एक्चुअली हमारा ट्यूबवेल आज ख़राब हो गया है और हमने बुलाया है मैकेनिक। कुछ घर में काम था नहीं करने के लिए, क्योंकि सारा काम पानी पे ही डिपेंड होता है, तो सारे काम पेंडिंग छोड़ करके मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब ये आए। अलाव काट कर लिया है ना सर? हाँ, अलाव कुटीर वो तो मुश्किल काम है था। और ये जो रस्सी जिससे हम इसको खींचते हैं पूरी सबमर्सिबल मोटर को, उसको कुतर कुतर के इसने यहाँ नवी देखना चाह रही है क्या चल रहा है ना? नवी बच्चे को कोई लेके नहीं गया? हाँ, समझते होंगे। लाओ वो मोटी रस्सी होती है जिसको बांधा हुआ होता है अंदर नीचे मोटर से, और अब वो सबमर्सिबल मोटर जो नीचे बैठी हुई है उसको निकालने का कोई दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से भाई साहब ने बार बार निकाल निकाल के थोड़ी थोड़ी गैप पे इसको फिर से ब्रैकेट्स लगा करके बांधा है और पुल किया है, और होपफुली अब वो आ गई है जो मेन हमारी रस्सी थी बीच में ही। आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, ये आ गई हमारी लाव। यहाँ से चूहों ने कुतर दिया था आगे, पूरी तो नीचे नहीं गिरी। हमेशा यही भाई साहब करके जाते हैं हमारे ट्यूबवेल का काम। तो देखिए, रस्सी कट के यहाँ पे आके रुक गई है, ज़्यादा नीचे तक नहीं गई। लाव काट के भी काटिए। ये देखो, और ये वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल वाले व्लॉग को ही कंटिन्यू करते हुए आज फिर से उसी व्लॉग को आगे जारी रखते हैं। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, सावन के पहले सोमवार में ही हम लगे पड़े हैं पानी का जुगाड़ करने में। कल भी हमारी ट्यूबवेल सही नहीं हुई थी, उन्होंने उसको बिठाया था सबमर्सिबल पंप को, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई कि पानी एक सर्टन हाइट के बाद में वापस नीचे जा रहा था। अब पता नहीं प्रॉब्लम क्या थी, जो भी था, कल हमने उसको एक बार वहीं पे रोका काम को, और आज फिर से वो भैया आए हैं और आगे चलते हैं, करते हैं। आज फिर से हमें वो पाइप्स निकलवाने हैं और उसके बाद में आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। लेट्स गो। ट्यूबवेल सही बता रहे हैं भैया, लेकिन जो पंप है वो सही बता रहे हैं, तो शायद ये कहीं पे से पाइप लीकेज है। खाली कर दें यहाँ पे। यो ठीक है, निकल लागो मुड़की के तबा। आज नवी ने मौका पड़ते ही माँ की राइस ट्यूब निकाल दी। अब देखो, वहाँ बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, उसने इतना शोर मचा रखा है, उसको मैं झूले में सुला के आई हूँ, वो करने नहीं देती है। अब माँ को दूसरी राइस ट्यूब लगा रहे हैं गोविंद। एक्चुअली नॉर्मली हम लोग इस राइस ट्यूब को 20-25 डेज में चेंज कर देते हैं, और अभी रिसेंटली लगाई थी ये, इसे हार्डली 10 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अब हमें दूसरी लगानी पड़ेगी। आज चलो आपको भी दिखाते हैं हम राइस ट्यूब कैसे लगाते हैं। पहले तो कंपाउंडर को बुलाना पड़ता था, लेकिन कोरोना काल में वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो अब गोविंद ही कंपाउंडर बन गए हैं। अब ये देखिए, इस तरह से राइस ट्यूब पे जेल लगा के और नाक के थ्रू इसको बड़े सॉफ्टली पास करेंगे अंदर, और ध्यान रखेंगे कि मुँह में से नहीं आ जाए राइस ट्यूब। माँ अंदर निगल लो, निगलो, हाँ निगल लो, अपना वितने ले लो। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ ले ले जा, वेरी नाइस। और इस तरह से बड़े सॉफ्टली, क्योंकि अगर राइस ट्यूब मुंह में से बाहर आ जाती है तो हमें ध्यान देना पड़ता है। बहुत ही
और इसके लिए भी पेशेंट को बिस्तर में नहीं सुला के लगा सकते, इसको चेयर पे पहले बैठाना पड़ता है। इसीलिए देखो माँ चेयर पे बैठी है तभी हम इनको राइस ट्यूब दे रहे हैं। हाँ चली गई, बस बस बहुत अच्छी। हाँ ले लो, अंदर ले लो। हाँ ले लो माँ। नवी को इतनी बेचैनी है कि पता नहीं क्या चल रहा है और तुम मिस कर रही हो। हाँ ओगो अच्छा। और यहाँ पे देखो राइस ट्यूब पे मार्किंग होती है तो उससे आपको पता चलता है कि आपको कहाँ तक अंदर डालनी है, ठीक है। और ये देखिए मुंह के अंदर हम देखते हैं कि अगर इकट्ठी हो रही है तो फिर हमें वापस निकालनी पड़ती है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और राइस ट्यूब पे मार्किंग होती है वहाँ तक इसको अंदर लेते हैं। और पेशेंट को अक्सर यहाँ पर टेप लगा दी जाती है लेकिन हम नहीं लगाते क्योंकि वो बड़ी अनकन एकदम बेकार, माँ को बड़ी अनईजी हो जाती हैं ये, और उससे फिर होता ये है कि नाक पे पूरा ऑयल ऑयल आके वो टेप भी अजीब हो जाती है और ये बड़ा इनको अच्छा नहीं लगता। तो हमें भी अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्योंकि ये खुद तो राइस ट्यूब को निकालती नहीं है तो इनकी बड़ी रखवाली करनी पड़ती है। नवी अक्सर हम माँ उस नवी को रहता है कि माँ के पास चलूँ दिखाएँ क्या कर रहे हैं, मम्मी जा रही है कभी पापा जा रहे हैं, और आज उसे मौका मिला और वो आके राइस ट्यूब को खींच के ले गई। हाँ 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 बस 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 हाँ ठीक है गुरु, हो गया हो गया हो गया। राइस ट्यूब जब नई हम लगाते हैं तो एक बार माँ को एक दो दिन थोड़ा सा अनईजी लगता है क्योंकि आप भी कल्पना कीजिए कि अपने नाक के थ्रू कोई नली जा रही है और वो भी अंदर पूरे एकदम आपके इंटेस्टाइन तक, तो आपको भी अंदर से फील होता है कुछ ना कुछ, उसके बाद में हैबिचुअल हो जाते हैं। अब ये करने के बाद में देखो इस तरह से एक बड़ी सी सिरिंज से गोविंद इसमें से देखेंगे, चेक करेंगे कि फ्लूड आता है कि नहीं। ये देखिए जैसे ही हम खींचेंगे अगर वो इंटेस्टाइन तक गई है तो इस तरह से फ्लूड आ गया, देखिए ये आ रहा है। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा वीडियो में। हाँ इस तरह से आता है तो अब ये एकदम परफेक्ट है। चलो हो गया माँ, हो गया हो गया। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा? कोशिश की है मैंने इसमें बहुत कुछ छोटा छोटा दिखाने की। ब्लॉग को कंप्लीट करने में 2 दिन लग गए। एक्चुअली इतना कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए था नहीं क्योंकि मैं भी बोर नहीं करना चाह रही थी। हाँ वो ट्यूबवेल वाला जो था एक नया कुछ था जो मैं दिखाना चाह रही थी कि क्योंकि सबके पास ट्यूबवेल नहीं है शहरों में, स्पेशली जो लोग रह रहे हैं उन्होंने सुना तो है लेकिन प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं कि क्या होता है कैसे होता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरी चीज़ प्रॉब्लम अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुई है, उसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन आ गया है ट्यूबवेल में, तो शायद उसमें नीचे मिट्टी है तो कल वापस दूसरे किसी को बुलाया है जो कि उसकी मिट्टी निकालेंगे। आज आने का था लेकिन वो शायद कहीं पर बिज़ी थे। नवी देखो नवी को फुर्सत नहीं है बात नहीं करने देगी। हाँ तो मैं क्या बता रही थी कि वो कहीं पे और बिज़ी थे तो वो आए नहीं, उनको कहा था वो बोले कि हम आ जाएंगे शाम तक लेकिन नहीं आए। ये देखो नवी प्लीज़ बेटा टूट जाएगा टूट जाएगा। चलो पीछे से तो छोड़े। हाँ ठीक है मैंने बाल धोए हैं और एक बार फिर से रात को सोते समय मैं धो रही हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप अगर नेचुरल कर्ल्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है जिससे आपके बाल का जो टेक्सचर है वो कई बार बहुत बिगड़ जाता है, जलते हैं उससे बाल हमारे। तो नेचुरल जो तरीका है वो मैं दिखा रही थी कि आप सोने से पहले बालों को धो लीजिए और उनको बिल्कुल भी कोम मत कीजिए बिल्कुल भी। एक्चुअली ये वाला फार्मूला हम लोग कॉलेज टाइम पे यूज़ करते थे क्योंकि उस ज़माने में था थोड़ा शौक कर्ल्स वगैरह बनाने का, बालों को बहुत अच्छे से मेंटेन करने का। आजकल इतना सब नहीं है, सिंपल बस हाँ बाल साफ़ होने चाहिए, बस इतना ही शौक है और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ तो मैं बता रही थी कि उस समय भी हम लोग क्या करते थे कि ये जो आजकल जो इक्विपमेंट्स आए हुए हैं कर्लर स्ट्रेटनर ये सब नहीं होता था उस ज़माने में। उस ज़माने में हमारे टाइम पे था ड्रायर, बस बालों को सुखा लीजिए और उसी से अगर आप कैसे सेट कर सकते हो तो कर लीजिए। मेरे पास फिलिप्स का था उस ज़माने में, मैंने लिया था समवेयर 96 में शायद, और वो अभी तक पड़ा है क्योंकि ज़्यादा यूज़ में नहीं आया।
कोई सर्दी वर्दी में कभी जब बाल सुखाने होते हैं जल्दी से उसके लिए, और तब मैंने एक्सपीरियंस किया। एक्चुअली होता है कि हम जब सुनते हैं तो हम कुछ भी उठा लाते हैं उठपटन, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो हमें उसके जो नुकसान है वो पता चलते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इससे बाल डैमेज होते हैं, तो मैं फिर उसको रेयर केस में यूज़ करती थी, और आज भी वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अब वो हम सबके काम आता है, जैसे सर्दियों में माँ मम्मी वगैरह के जो बाल हैं वो सूखते नहीं हैं जल्दी से, तो उससे हम सुखा लेते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। और हाँ, मैं बता रही थी कर्ल्स का। अब सुबह मैं इनको जब कॉम करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे किस तरह से कर्ल्स हो जाते हैं। और ये जो कर्ल्स हैं ये बहुत लंबे नहीं चलते, इतना और बता देती हूँ। आप इनमें बार बार कॉम या ब्रश करोगे तो वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हाँ, ये है कि आपने बाल रात को गीले करके सोए और सुबह आपने उनको कॉम किया तो हल्के हल्के कर्ल रहते हैं। उसके बाद में आप उनको ज़्यादा मत छेड़ो तो वो कर्ल्स शाम तक आराम से टिक जाएंगे। हाँ, और ट्यूबवेल का काम अभी तक हुआ नहीं है, होता जाएगा। ये देखो नवी मुझे लगता है चश्मा तोड़ती रहेगी। चलो यार, मैं कब भी काफ़ी थक गई हूँ, आपको शायद मेरी आईज़ से लग रहा होगा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है। तो अब अपन दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अच्छी सी नींद लीजिए। अच्छी सेहत के लिए पूरी और अच्छी वाली नींद बहुत ज़रूरी है। शुभ रात्रि।